नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्ड नंबर वन क्लासेस पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन और एक प्यारे से टॉपिक जिसका नाम है नृत्य यानी डांस के बारे में। और डांस भी कैसा, जो क्लासिकल डांस है, जो शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे, ठीक है, या लोक नृत्य हैं किसी भी राज्य के, ठीक है, भारत के जो जितने भी लोक नृत्य हैं उनसे जो रिलेटेड जितने भी MCQs क्वेश्चन बनते हैं या प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, खासकर SSC में, ठीक है, और जो SSC के होने वाले हैं या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हो आप, ठीक है, किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ये बेहतरीन क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि डांस से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट ऑफ मैंने करवाने की कोशिश की है। और ऐसे ये नहीं है कि भाई जो क्वेश्चन करवाए हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ डिटेल करवाई जाएगी आपको, ताकि साथ साथ उनसे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके कवर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। सबसे पहला है वो क्वेश्चन कौन सा आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्त्रीय नृत्य मौली प्रसिद्ध है, यानी जो स्त्रीय नृत्य है वो प्रसिद्ध है, कौन से राज्य में प्रसिद्ध है, और ये कब आया हुआ है, जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था 12 तारीख को 10वें महीने में और 2023 में मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, उसमें आया हुआ है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो कब और किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर, मोस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन आपके, असम में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या तमिलनाडु में। तो जो स्त्रीय नृत्य है, मैंने पीछे भी एक क्लास करवाई थी डांस के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था जो स्त्रीय नृत्य है वो शैली कहाँ पे प्रसिद्ध है, वो असम में प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, असम राज्य में है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, स्त्रीय नृत्य मौली प्रसिद्ध कहाँ पे है, ये असम में है। इनसे रिलेटेड कुछ डिटेल क्या है कि स्त्रीय नृत्य की शुरुआत है वो किसने की थी, श्रीमंत शंकरदेव ने की थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत है वो कहाँ से या किसने की थी। फिर साथ साथ क्या है, क्वेश्चन हमेशा मॉडिफाई होते रहते हैं, हर बार आपसे ये नहीं पूछने वाला कि एग्ज़ाम में कि भाई ये नृत्य कहाँ का है, उससे रिलेटेड जितने भी हैं ना उसके डांसर्स हो गए, प्रसिद्ध जो नृत्यकार हैं, उनके कलाकार हैं, उनके नाम भी आपसे पूछता है, या उनको जो दर्जा दिया गया है या उनको जो अवार्ड मिले हैं उनसे भी आपसे ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी शुरुआत है वो किसने की थी, श्री शंकरदेव ने शुरुआत की थी, ठीक है। और नए वैष्णव आंदोलन में भाग के रूप में क्या है, 17 नामक मठ में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, एक नव वैष्णव आंदोलन चलाया गया था उसके रूप में 17 नामक मठ में है ना, इसकी क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। क्षत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा क्या है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला था। आप इसको नवीनतम शास्त्रीय नाटक भी बोल सकते हो, ठीक है। कब मिली थी इसको मान्यता, सन 2000 में। कब मिली थी, सन 2000 में। किसके द्वारा दी गई थी, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, ठीक है। फिर स्त्रिया की जो नृत्य शैली है वो कौन सी है, पैरासिक बंगी है। कौन सी है, पैरासिक बंगी यानी पुरुष शैली है। कौन सी है, पुरुष शैली है। अस्थि बंगी यानी महिला मौली है, ठीक है। असम के जो लोक नृत्य हैं वो कौन से हैं, जो सबसे फेमस हैं असम के वो कौन से हैं, बीहू है, बागुरुम्बा है, देवदनी है और बोरताल है। कौन से हैं असम के, बीहू, बागुरुम्बा, देवगनी और बोरताल है। ये नृत्य आपको क्या है, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो साथ साथ, ताकि क्या है आपको जब भी आपका एग्ज़ाम हो और रिविज़न करके जाएं तो पूरी क्लास आपको रिमाइंड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो निम्नलिखित कौन सा कथनों में से कौन सा जो सत्य है वो बताना है आपको। स्टेनोग्राफर में ये आया था पिछले वर्ष, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति है वो कौन से, मतलब भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी, या फिर कथन दूसरा है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति है वो उड़ीसा में हुई थी। तो कौन सा है कथन है वो इसमें क्या है सत्य है आपको वो बताना है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की जो उत्पत्ति है वो भरतमुनि के नाट्य शास्त्र में हुई थी। अब जो भरतनाट्यम है, ठीक है, भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है वो कहाँ पे हुई थी वो आप सभी को पता है, वो हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में। किसी ने मेरी जो प्रीवियस ईयर जो पीछे मैंने क्लास करवाई थी एक डांसिस की, ठीक है, वो देखी होगी तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो, या आपने और कहीं पढ़ा होगा कि भरतनाट्यम है वो कहाँ का नृत्य है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ का है ये तमिलनाडु का है। तो उड़ीसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी रहेगा, केवल जो A1 है स्टेटमेंट वो सही है इसकी, ठीक है। देखो ये रहा भरतनाट्यम एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो मूलभूत पहलू हैं, कौन सा, एक तो तांडव
गति और लय और एक है लास्य, अनुग्रह है भाव और रस। तीन मुख्य घटक जो नाट्य हैं कौन से हैं? नृत्य का नाटकीय तत्व, नृत्य का क्या है अपने मूल रूप में नृत्य गतिविधियां हैं, और नृत्य क्या है अभिव्यंजक घटक यानी मुद्रा व इशारे। कुछ डांसेज आपने देखा होगा कि कई डांसों में आपने ये देखा है कि उसमें जो अपनी डांस करते हैं तो मुद्रा या इशारे करते हैं, सिर्फ वो इशारे और जो उनकी जिस टाइप से वो मुद्रा में जिस आसन में है वो करके दिखाते हैं। कुछ होते हैं जो अपने क्या है अपने मूल रूप से नृत्य गतिविधियाँ करते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे मुख्य घटक भी हैं जो नृत्य का नाटकीय तत्व हैं। कौन सा है? नृत्य का नाटकीय तत्व है। और आजकल एक नई चीज़ और है, मजाक के तौर पे बता रहा हूँ ताकि क्या है आपका मनोरंजन होता रहे। शादी ब्याह के सीजन में आप देखते होंगे कुछ नए नए डांस के फॉर्म देखने को आपको मिलती हैं, जैसे कि कुछ शराबी हैं, ठीक है, शराबी तत्व क्या करते हैं, शराब पी के अलग अलग तरह के डांस मूव आपको देखने को मिलेंगे, तो इन सभी का जो निचोड़ होता है ना वो डांस करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक जब ब्रिटिशर्स का राज था भारत के ऊपर तो उन्होंने भारतीय भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया था? ऑप्शन कौन से हैं? 1885, 1910 में, 1897 में और 1927 में, यानी 1885 में, 1910 में, 1897 में या 1927 में। जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? वो रहेगा 1910 में। कब रहेगा? 1910 में क्या है भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया था, किसके द्वारा? ब्रिटिश औपनिवेशिक के द्वारा, ठीक है। अब क्या है भरतनाट्यम का आकार मैंने बताया था आपको तमिलनाडु का, इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई थी, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच एक पर क्या है प्राचीन ग्रंथ है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें भाव राग रस ताल आदि का समावेश है। किस किस का है? भाव का, राग का, रस का और ताल का क्या है इसमें समावेश है। इसमें 6 भाग शामिल किए गए हैं। कितने भाग शामिल किए गए हैं? 6 भाग शामिल किए गए हैं। आलारिप्पू, जातीय स्वरम, ठीक है, नाट्य भाग, शब्दम और कौन सी है, वर्णम, एक कहानी जिसमें क्या है नृत्य और नृत्य और नृत्य दोनों शामिल किए गए हैं, पदम, धार्मिक प्रार्थना है, भजन है, कीर्तन है, और तिलाना क्या है हिंदुस्तानी संगीत में तराना के अनुरूप में। ये सभी क्या है इसमें 6 भाग शामिल किए गए हैं। किसमें किए गए हैं? भरतनाट्यम में। कौन से 6 भाग हैं? आलारिप्पू, जातीय स्वरम, शब्दम, वर्णम, पदम और तिलना, क्या है? तिलाना। कौन सा है? तिलाना। ये सब 6 भाग आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना क्या अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? क्या है? लोक नृत्य है। अब कौन सा है राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन कौन से हैं? घूमर है, भांगड़ा है, गरबा है व दनगरी गाजा है। तो देखो घूमर है वो आपने देखा हुआ कई बार कि वो कहाँ पे किया जाता है, वो किया जाता है राजस्थान के क्षेत्र में। कहाँ पे किया जाता है? राजस्थान के क्षेत्र में। भांगड़ा कहाँ पे किया जाता है? तो आप सभी को पता है वर्ल्ड फेमस भांगड़ा है वो कहाँ का है? वो पंजाब राज्य का है। कहाँ पे है? पंजाब राज्य का है। और गरबा है ये कहाँ पे है? ये है गुजरात का। आपने डांडिया देखा होगा, ठीक है, डांडिया गरबा ये कहाँ पे खेलते हैं? ये गुजरात राज्य में नवरात्रि के उत्सव पर क्या है ये खेला जाता है या किया जाता है नृत्य, ठीक है। फिर इसके साथ कौन सा बचता है लास्ट में? महाराष्ट्र का दनगरी गाजा। कौन सा बचता है? दनगरी गाजा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? दनगरी गाजा। अब देखो साथ साथ क्या है इन ऑप्शंस के बारे में बताओ ना तो आप क्या है पजल नहीं होगे और साथ साथ आपको बताते रहोगे। तो कौन सा है महाराष्ट्र का लोक नृत्य? कौन सा है? दनगरी गाजा है। फिर है इसके बारे में, इसके और कौन से हैं महाराष्ट्र के? लावणी है, पाता है, कोली है, वाणा है, मुरली है, ठीक है। गुजरात का डांडिया है, रास टिप्पणी है, भरवई है, गरबा है और डांग है। ये कहाँ पे हैं? ये हैं गुजरात के। राजस्थान के हैं घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरह ताली। ये कहाँ पे हैं? राजस्थान के डांसेज हैं। कौन से फेमस राजस्थान के डांसेज कौन से हैं? घूमर है, भवई है, कालबेलिया है, तेरह ताली है, ठीक है। पंजाब का कौन सा है? भांगड़ा है, गिद्दा है, ये गद्दा नहीं गिद्दा है, और तुड़ीली है, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये हैं पंजाब के हैं। कहाँ के? पंजाब के हैं। महाराष्ट्र कौन से बताए मैंने? लावणी है,
पाता है, कोली है, वाणा, मुरली, ये सभी कहाँ के हैं, ये हैं महाराष्ट्र के। देखो ये सभी नोट डाउन करते रहोगे ना साथ साथ, तो आपको एक टॉपिक के साथ, एक क्वेश्चन के साथ साथ अनेकों क्वेश्चन आपको कवर हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आपको क्या है, तैयारी आपको बेहतरीन लेवल तक जाती रहेगी। और एक दो बार आपको क्लास को देखोगे ना, तो आपके अपने आप आपको ये चीज़ें सभी रिमाइंड होती चली जाएंगी, और बार बार इन चीज़ों का बर्डन आपको लेना नहीं पड़ेगा। और सभी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ साथ साथ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्त्रिया के एकाकी नाटक को क्या कहा जाता है, जो यानी जो एकमात्र या अकेले करते हैं स्त्रिया में, ठीक है, उस नाटक को क्या कहा जाता है। तो यह है स्टेनोग्राफर का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आफ्टरनून में आया हुआ है। तो कौन सा जो आपके ऑप्शन है, कौन से हैं, एकम नाटक, एकम नाट है, विशेषम नाट है, अनंत नाट है, या अंकिया नाट है। तो जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो है अकिया नाट। कौन सा रहेगा, अकिया नाट रहेगा। यानी स्त्रिया के एकांकी नाट को क्या कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, अंकिया नाट कहा जाता है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, अंकिया नाट क्या है, एक स्त्रिया का एक रूप है जिसमें क्या है, संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। क्या होता है, संगीतमय नाटक होता है या उसमें खेल शामिल होता है। या प्रारंभ जो प्रारंभ हुआ था वो असमिया मैथिली शंकर भाषा में वज्रावली में लिखा गया था। इसे भावना के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, भावना के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है। स्त्रिया नृत्य शैली की शुरुआत कब हुई थी, वो 15वीं शताब्दी में असम राज्य के महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महापुरुष शंकरदेव के द्वारा की गई थी, या श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा की गई थी। तो ये सभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताए हैं, पीछे आए थे, और बार बार आप देख भी रहे होंगे कि हर क्वेश्चन रिपीट हुआ था। कब, डांसेस के द्वारा, जो आपके एसएससी का एग्जाम होता है ना, डांस से 100% श्योरिटी है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि हर सेट में आपको एक ना क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन लोक नृत्य या फिर जो आपके शास्त्रीय नृत्य है इनसे देखने को मिलेगा। और क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास आप सभी को क्लास लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को क्या है, शेयर जरूर करते रहा करें भाई, और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताते रहें, कमेंट करके कि आपको क्लास कैसी लगी। फिर है, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य की नृत्य है उनके रूपों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो उनके रूपों की नृत्य है, देखो स्टेनोग्राफर में यह हुआ है, यजुर्वेद से हुई थी, अर्थशास्त्री से हुई थी, अथर्ववेद से हुई थी, या नाट्य शास्त्र से। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है, कौन से, कहाँ से हुई थी, नाट्य शास्त्र से हुई थी। कहाँ से हुई थी, नाट्य शास्त्र से। किसकी, अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों की, ठीक है। तो कहाँ पे, नाट्यशास्त्र क्या है, कला और संगीत का क्या है, संस्कृत ग्रंथ है, भरत मुनि द्वारा क्या है ये लिखा गया था या संकलित किया गया था, ठीक है। और ग्रंथ में क्या है, प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करते हुए कुल 6000 काव्यों का क्या है, 36 अध्यायों के साथ है। क्या है, 36 अध्यायों में लिखा गया है, और 6000 इसमें क्या है, काव्य लिखे गए हैं। किसमें, भरत मुनि के द्वारा जो संकलित है नाट्यशास्त्र उसमें, ठीक है। फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूटिया नृत्य है, ठीक है, वो निम्नलिखित में से किस राज्य का जो नृत्य है वो है, ठीक है। तो क्या बताओगे आप, नागालैंड का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है, या सिक्किम का है। तो देखो कहाँ पे आई है, एसएससी सीपीओ में आया हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा सिक्किम का। कहाँ पे रहेगा, सिक्किम का नृत्य है। कौन सा नृत्य है, भूटिया नृत्य है। कहाँ पे किया जाता है ये सिक्किम राज्य में किया जाता है। देखो ये रहा राइट आंसर आपका, क्या है, सिक्किम। क्या है, अन्य नृत्य कौन से हैं सिक्किम के, सिंधी छम है, तमांग शेलो है, शेरपा नृत्य है, गंटू है, गेले यांग नृत्य है, सिंगे छम नृत्य है, चूफाट है, ठीक है। फिर ये नृत्य कौन से हैं जो क्या है सिक्किम में किए जाते हैं, ठीक है, कौन से हैं। जैसे ये ऐसे नृत्य हैं, देखो नाम भी ऐसे ऐसे हैं जो नेपाल के क्षेत्र में हम नाम पढ़ते हैं ना कई बार, वो वाले नाम इसमें दिए गए हैं। किसमें, सिक्किम राज्य के जो नृत्य हैं, कौन से, सिंधी छम, तमांग छेलो, शेरपा नृत्य है, गंटू है, गेले याग नृत्य है, संगे छम नृत्य है, और चूफाट है, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल के नृत्य कौन से हैं, तो पश्चिम बंगाल के हैं पुरुलिया छऊ है, बाउल है, और गंभीरा है। ये कहाँ पे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। देखो एक नृत्य क्या है, राइट आंसर तो इसका सिक्किम था। उसी के साथ साथ क्या आपको ये तरह तरह की इसकी डिटेल देने का पर्पज़ क्या है, ताकि आप क्या है साथ साथ नोट डाउन करते रहो, और क्या है इनके साथ साथ आपको ये चीज़ें याद भी रहें, ताकि एक भी चीज़ याद रहेगी और आपको एग्जाम में बैठे और वो चीज़ काम आई तो मैं सोचूंगा मेरी क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद रही, ठीक है। फिर उड़ीसा कौन सा है, गोटीपुआ नृत्य है, ठप है, और
पार्ट का है, ठीक है। नागालैंड के हैं, मोडसे है, अर्गु सिक्रु कुला है, आलुयट्टू है, और सदल के कई है, और चंगई नृत्य है। ये कहाँ के हैं? नागालैंड के हैं। धीरे धीरे आपको ये सभी इनके बारे में डिटेल मिलती रहेगी। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही है, आपको हर चीज़ के लिए हर चीज़ में डीप से डीप करवाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी क्या है कोई भी छोटी से छोटी चीज़ मिस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, गोवा की किस नृत्य शैली है जो योद्धा नृत्य के नाम से जानी जाती है, यानी गोवा की कौन सी नृत्य ऐसी कौन सी नृत्य शैली है जो योद्धा नृत्य के नाम से जानी जाती है? तो लावणी है, घोड़े मोदनी है, बीहू है, और रऊफ है। तो ऐसी कौन सी है जो क्या है गोवा में की जाती है? तो मैंने आपको बताया था लावणी काफ़ी किया जाता है, ये महाराष्ट्र में किया जाता है, काफ़ी किया जाता है महाराष्ट्र में। बीहू कहाँ का है? बीहू है असम का है। कहाँ क्या है? असम का है। रऊफ कहाँ का है? ये है जम्मू कश्मीर का। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर का। तो बचता कौन सा है? घोड़े मोदनी। कहाँ पे है? घोड़े मोदनी है। ये कहाँ का है? ये है गोवा का। कहाँ पे है? गोवा का, जिसको क्या है योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? घोड़ा मोदनी के नाम से योद्धा नृत्य है, ठीक है। इसका अतीत है, यानी जो इसका इतिहास है वो किससे संबंधित है? वो मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाता है। किसकी याद में किया जाता है? मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाता है। गोवा के अन्य नृत्य कौन से हैं? तारंगा मेल है, देखनी है, फगुड़ी है, सिगमो है, समय नृत्य है, रणमाले है, गोफ है, या टान्या मेल है। कौन सा है? टोनिया मेल है। ये सभी नृत्य कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। कहाँ के हैं? ये गोवा के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है, यानी जो श्री कृष्ण थे ना उनकी रासलीला होती थी, ठीक है, राधा जी और कृष्ण के बीच में, ठीक है, यानी वो क्या करते थे? रासलीला करते। तो उनके विषय वस्तु पर आधारित जो नृत्य है वो कौन सा है? तो आप कौन सा बताओगे? मोहिनीअट्टम है, कथक है, स्त्रिया नृत्य है, या मणिपुरी है? तो कौन सा नृत्य है? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? वो मणिपुरी नृत्य रहेगा। कौन सा रहेगा? मणिपुरी नृत्य रहेगा। और राधा और कृष्ण जी से संबंधित तो मोस्ट ऑफ आपको डांसेस देखने को मिलेंगे, ताकि जिनमें क्या है राधा और कृष्ण जी का जिक्र मिलेगा, या इनकी रासलीला का जो विषय वस्तु है इनका देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन में नहीं, अनेक क्वेश्चन में इनका जिक्र मिलेगा आपको, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे। CPO में आया हुआ था ये एग्जाम 2023, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है मैं आपको मोस्ट ऑफ वही करवा रहा हूँ, ताकि आपको क्या है वो चीज़ कवर हो जाए और आपको लेवल पता चल जाए। जो आने वाले CGL और CPO के जो छात्र हैं उनको यह पता चले कि किस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। फिर इसमें और क्या है? मणिपुरी है। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कौन से हैं? आप सभी को पता होगा, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कथक है, उड़ीसा है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है, और कुचिपुड़ी है, स्त्रिया है। कुचिपुड़ी मैंने क्या बताया था? जो कुचिपुड़ी को कैसे याद कर सकते हो? यानी कच्ची पूरी, और कौन खाएगा उसको? अंधा, ठीक है। तो याद हो गया ना आपको, कच्ची पूरी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम है, मोहिनी क्या है? बहुत अच्छी क्या बनाती है? करेले बनाती है। तो मोहिनी क्या करोगे आप? मोहिनीअट्टम से केरला, ठीक है। मोहिनी के ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मोहिनी क्या है? बहुत अच्छे केले खा रही है, या बहुत अच्छे करेले बनाती है, ठीक है। स्त्रिया क्या है? असम में किया जाता है, यानी स्तर क्या है? आसान आसान होते हैं, आसान आसान स्तर से बढ़ते हुए आप क्या है डिफिकल्ट लेवल तक जाते हो, तो इसलिए क्या है स्तर हमेशा कहाँ कैसे होते हैं? शुरुआत में आसान होते हैं, ठीक है। कथकली भी कहाँ का है? कली है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। उड़ीसा है, ओडिशी कहाँ पे? उड़ीसा में, यानी नाम से ही पता चलता आपको, ठीक है। कथक है वो कहाँ का है? उत्तर भारत का है, यानी कई बार आपको एग्जाम में उत्तर प्रदेश को देखने को मिलेगा, या उत्तर भारत भी देखने को मिल सकता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, और भरतनाट्यम है वो कहाँ पे किया जाता है? तमिलनाडु में। ये क्या है मोस्ट फेमस हमारे क्या है शास्त्रीय नृत्य हैं, कितने हैं ये? 8 हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है मोस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्त्रिया को जो स्त्रिया है वो संगीत क्षत्रिया को नंगी जो संगीत नाटक अकादमी है उसको शास्त्रीय रूप में कब मान्यता दी गई थी, यानी स्त्रिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कब मान्यता दी गई थी? किसकी मान्यता दी गई थी? शास्त्रीय नृत्य के रूप में। कब आया था ये? SSCCPO में आया था 2023 में, 2005 में, सन 2000 में, 2020 में, या 2010 में। तो मैंने पीछे भी जो सेकंड क्वेश्चन करवाया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, उसमें बताया भी था। तो इसकी जो कब जो नृत्य के रूप में मिली थी इसको पहचान, या नाटक अकादमी के द्वारा कब शामिल किया गया था? सन 2000 में ये शामिल किया गया था।
फिर है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने एक सदियों पुराने अनुष्ठान के नाटक मुद्रिदे ठीक है को मान्यता की अमूर्त संस्कृति विरासत के रूप में मतलब मान्यता दी है। ठीक है, यानी कहने की बात है सीधी सीधी कि यूनेस्को ने अपने जो शामिल किया गया है विरासत के रूप में, ठीक है, वो कब किया गया है 2010 में। ठीक है, तो जो अनूठे पुराने अनुष्ठान है यानी डांस के तो वो कहाँ पे है, कौन से स्टेट में शामिल किया गया है, केरला के, तेलंगाना के, कर्नाटक के या तमिलनाडु के। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वो है केरल के। कहाँ पे, केरल के। तो किस चीज़ को शामिल किया गया है, वो किया गया था मुदीय देवी काली और राक्षसी दारिका के बीच जो युद्ध की पौराणिक कहानी है ना, उसके आधारित एक अनुष्ठान नाट्य जो नृत्य नाटक है उसको यूनेस्को के द्वारा 2010 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ठीक है, फिर इसके साथ क्या है, दुत्तल नृत्य है। क्या है, दुत्तल नृत्य है कि उत्पत्ति है वो किस राज्य में हुई थी, कहाँ पे आया है, ये CPO में। जो बच्चे CPO CGL और SSC के CHSL किसी भी जो SSC के तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये रहने वाली है। तो आप सभी के जो यार जो दोस्त हैं उनके पास शेयर करो, जो SSC की तैयारी करता है एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि उनको क्या है पता चले कि भाई हाँ ये ऐसा भी कंटेंट है वो करवाया जा रहा है जो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम से मैच करता हो। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन है, केरल है, उत्तराखंड है, मणिपुर है या गुजरात है। तो किस राज्य में हुई थी दुत्तल नृत्य की, तो राइट आंसर क्या रहेगा आपको, क्या है, केरल रहेगा। क्या रहेगा आपका राइट आंसर, केरल रहेगा। कहाँ पे हुई थी, केरल में। अब इस कला का जो 3 संस्करण है कौन सा है, सीताकन है, सीताकन दुत्तल है, परायण दुत्तल है और ओट्यन दुत्तल है। अन्य नृत्य कौन से हैं केरल के, थेयम है, तिरुवात्रिकारिकली है, कोलकली है, ये कौन से कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। उत्तराखंड के कौन से हैं, खोलिया है, पांडव नृत्य है, भेटिया नृत्य है या जोड़ा नृत्य है, ये कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के हैं। मणिपुर के कौन से हैं, लाई हरोबा है, काबुई नृत्य है या सोईती फिजाक है, ये कहाँ के नृत्य हैं, ये हैं केरल के। कहाँ के हैं केरल के नहीं, ये हैं मणिपुर के नृत्य आपको देखने को मिलेंगे। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो नृत्य रूप है जो अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य साधीर अट्टम से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, साधीर अट्टम से। साधीर अट्टम मैंने आपको बताया भी था एक बार कि किसका अन्य नाम भी है, किसका है अन्य नाम ये, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं जिसने भी मेरी पिछली क्लास देखी होगी। कब आया था ये, SSC CPO में आया था। तो जो किसका अन्य नाम है ये साधीर अट्टम, ये अन्य नाम है भरतनाट्यम का। तो राइट आंसर भी कौन सा रहेगा, भरतनाट्यम रहेगा। कौन सा रहेगा, भरतनाट्यम। और साधीर अट्टम मैंने इसका अन्य नाम भी बताया था। और भरतनाट्यम कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु राज्य में ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, यानी लोक नृत्य है। कहाँ का है ये ममिता, और CPO में आया हुआ है, पंजाब का है, त्रिपुरा का है, हरियाणा का है या उत्तराखंड का है, कहाँ का है ये। तो देखो मोस्ट ऑफ आपको क्या है, नाम से ही पता चल जाएगा कि ममिता है ये कहाँ का है, त्रिपुरा का है। पंजाब के आपको मोस्ट फेमस पता ही आपको भांगड़ा है, गिद्दा है, ठीक है, हरियाणा के आपको पता है, ठीक है, और उत्तराखंड के आपको। तो देखने को अजीब सा नाम मिले ना, वो मोस्टली क्या है, 3 ऑप्शन से भी आपको थोड़ा हा अजीब ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, त्रिपुरा का नृत्य है। और त्रिपुरा का क्या है, ममिता नृत्य कहाँ का है, त्रिपुरा के कलोई समुदाय से जुड़ा हुआ है। किससे, कौन से समुदाय से है ये, कलोई समुदाय से जुड़ा हुआ है। और ये काम कब किया जाता है, ये फसल उत्सव के दौरान किया जाता है। कब किया जाता है, फसल उत्सव के दौरान। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य कौन सा है, गरिया है, लेबान बूमनी है, ओजारीगिरी है, बीजू है, हाई हक है, चेराव है, जूम है, ये कहाँ पे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं त्रिपुरा में। पंजाब के मैंने बताया था भांगड़ा, गिद्दा, झूमर, ठीक है, गतका, ये कहाँ पे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं पंजाब में। हरियाणा के कौन से हैं, फाग है, सांग है, छड़ी है, कोड़िया है, उगा है, ये कहाँ पे किए जाते हैं, ये हरियाणा राज्य में किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे किए जाते हैं, ये हरियाणा राज्य में। फिर है, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है।
तो किसके लिए किया जाता है? लावणी के लिए, बाउत के लिए, हिंदुस्तानी या कर्नाटका के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? इसका रहेगा कर्नाटक जो शैली है या पारंपरिक रूप से संगीत किस प्रकार के संगीत में किया जाता है, तो यह कर्नाटक के जो रूप होता है उसमें ये किया जाता है। ठीक है, तो इसके कारण है, मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल करवा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि इनका जो रीज़न बनता है वो भी साथ साथ आपको पता चले, ताकि आप अच्छे से उसकी पूरी डिटेल पढ़ पाओ। ठीक है, तो कर्नाटक भारतीय संगीत जो शास्त्रीय संगीत का क्या है रूप है, जिसकी उत्पत्ति क्या है दक्षिणी भारत में हुई थी। ठीक है, यानी भरतनाट्यम की बात कर रहा है ये। नृत्य और संगीत के प्रकार में क्या है? कथक, हिंदुस्तानी संगीत, मोहिनीअट्टम कर्नाटक, ओडिशी ओडिशी संगीत, कुचिपुड़ी स्वर और वाग्यंतर कर्नाटक संगीत, स्त्रीय बार गीत, कथकली है वो क्या है? सोपन संगीत, मणिपुरी क्या है जिसमें है शास्त्रीय नाटक संगीत में जो ये किए जाते हैं। ठीक है, तो जो क्या है भरतनाट्यम है वो किस में किया जाता है? भारतीय संगीत शास्त्र का एक क्या है रूप है, जिसकी क्या है उत्पत्ति दक्षिणी भारत में हुई है और किस शैली में किया जाता है? ये कर्नाटकीय शैली में किया जाता है। फिर है नेक्स्ट अपना कि ठुमरी संगीत है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में संबंधित है? कौन सा है ठुमरी संगीत है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे है? कथक से है, कथकली से है, भरतनाट्यम से है या स्त्रिया में है? आप देख सकते हो किस में आया हुआ है। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये? राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए, यानी कथक से संबंधित है। कौन? ठुमरी जो संगीत है वो किससे संबंधित है? वो है कथक से संबंधित है। फिर इसमें क्या है, कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का, या आप मैंने यह बताया था आपको उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का है। ठीक है, ठुमरी ये क्या है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में क्या है उत्पन्न अर्थ शास्त्रीय संगीत भारतीय संगीत की क्या है एक सामान्य मोड़ी है। ठीक है, कथकली और इनके बारे में क्या है? ललित कला के पांच रूपों का एक क्या है समाजन है, जो साहित्य संगीत चित्रकला अभिनय और नृत्य है। क्या है एक किसका समायोजन है? ये पांच रूपों का समायोजन होता है। इसमें क्या संगीत भी होता है, साहित्य के बारे में भी जानकारी देते हैं, चित्रकला के बारे में भी आपको बताया जाता है, अभिनय यानी नाटक यानी एक्टिंग भी की जाती है उसकी उसके बारे में, और जो नृत्य है डांस भी किया जाता है। तो डांस एक डांस नहीं है, डांस आपको कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में सहायता करता है। जैसे क्या है, कई बार आपको क्या है उस कल्चर के बारे में डिटेल देखने को मिलती है कि भाई ऐसा भी कल्चर था एक समय पे और ऐसे ऐसे इस उस जो समाज है उसमें ये चीज़ें की जाती थी, यानी समाज के बारे में जो डिटेल देता है उनके बारे में बताता है, अपने कल्चर की दर्शाता है, रूट्स को दर्शाता है, तो वो क्या है डांस के बारे में डांस होता है। ठीक है, डांस कई प्रकार के है, जैसे संगीत है मतलब म्यूजिक है वो भी क्या है डांस की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, साहित्य है यानी उनके बारे में जो प्रीवियस इतिहास उसका बताता है। ठीक है, तो वो क्या है साहित्य है, डांस भी होता है। ठीक है, डांस उसकी फॉर्म को जरूर बताता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप चैनल पर नए हैं तो, और अपने अपने कमेंट की राय करके राय जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में मर्दाना पहलू को किस रूप से जाना जाता है? अब मणिपुरी है, ठीक है, उसमें मर्दाना पहलू यानी पुरुषों की बात कर रहा है, उस पहलू को किस रूप में जाना जाता है? चोलोम के नाम से, परेक के नाम से, माइबा के नाम से या रास के नाम से? तो किस नाम से जाना जाता है मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें? तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? चोलोम रहेगा। कौन सा रहेगा? चोलोम रहेगा। अब देखो आपको कि हर एक क्वेश्चन आपने अभी पीछे भी मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हर क्वेश्चन आपको प्रीवियसर देखने को मिल रहा है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट उठ के आया हो, डायरेक्ट मतलब कि भाई आपसे ये पूछा हो कि ये कहाँ का नृत्य है, एक आधा क्वेश्चन की कह नहीं सकता, नहीं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को आपको डिटेल पूछता है और आपको अच्छे से उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को कवर करवाने की, ताकि आपकी छोटी से छोटी डिटेल रह ना जाए और आपका एग्ज़ाम किसी कारणवश आप नज़दीक जाके एक क्वेश्चन की वजह से आप एग्ज़ाम से मुँह धो बैठा हो, तो इसलिए आपको पूरी डिटेल करवाई जा रही है। तो मर्दाना पहलू को किस नाम से जाना जाता है? तो चोलोम नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है सामूहिक गायन का कीर्तन रूप में क्या है ये नृत्य होता है, जिसे कहाँ पे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है? किसके नाम से? सहकीर्तन के नाम से जाना जाता है।
पुरुष नर्तक क्या है, नृत्य करते समय पुंग व करताल बजाते हैं, क्या बजाते हैं, पुंग व खड़ताल बजाते हैं, करताल नहीं खड़ताल होती है ना, जो अपनी जो छोटे हाथों में लेके बजाई जाती है, ठीक है। और नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक क्या है, हिस्सा है, ठीक है। इसी के साथ क्या है, लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है, सीपीओ में आया हुआ था और मैंने ये बताया भी हुआ है, राइट आंसर कौन सा रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा, कौन सा रहेगा, महाराष्ट्र रहेगा। कहाँ का लावणी नृत्य, महाराष्ट्र का रहेगा लावणी नृत्य है, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य के ठीक रूप से किए जाने से पहले सेवाकली नाम का एक अभ्यास किया जाता है, यानी उनका प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है, जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था, यानी मंदिर के परिसर में किया गया था यानी किया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी नृत्य है वो करने से पहले यानी सेवाकली नाम का एक अभ्यास स्तर किया जाता है, यानी कोई भी उसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है ना, तो उससे पहले क्या करते हैं, वो उसकी प्रैक्टिस एक बार करके देखते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन देने से पहले। MTS में आया हुआ है आपको, मोस्ट ऑफ बच्चे क्या है MTS के एग्जाम में इनको नेगलेक्ट करके जाते हैं, परंतु ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कौन सा है, कथकली का किया जाता है, कथक का किया जाता है, ओडिशी का किया जाता है, या कुचिपुड़ी का किया जाता है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, राइट आंसर रहेगा कथकली केरल का। यानी जो कथकली नृत्य किया जाता है ना, उससे पहले एक बार सेवाकली नाम का क्या किया जाता है, अभ्यास स्तर किया जाता है, किसका किया जाता है, कथकली डांस का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस अभिनय का संबंध वेशभूषा आभूषण चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग में किया जाता है, यानी आप आदि के उपयोग से है, किसका अभिनय का, ठीक है, यानी कौन सी एक्टिंग है उसका वेशभूषा आभूषण चेहरे का श्रृंगार आदि से किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ये MTS में आया था, वाचिक अभिनय है, आहार्य अभिनय है, सात्विक अभिनय है, या आंगिक अभिनय है, यानी कौन सी ऐसी एक्टिंग है, यानी टाइप्स ऑफ एक्टिंग्स हैं ये, ठीक है, उसमें किसका है, वेशभूषा आभूषण व चेहरे के श्रृंगार का आदि का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, आहार्य अभिनय, कौन सा है ये, आहार्य अभिनय है, जिसका उपयोग क्या है किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल क्या है, आहार्य अभिनय है वो नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है, कौन सा है, रेडीमेड जो सिला हुआ पोशाक पहनता है, निचला वस्त्र धोती है, ऊपरी वस्त्र दावनी के रूप में या दौड़ी है, मतलब दावनी के साथ दौड़ी है, ठीक है। उपयोग किए जाने वाले जो पारंपरिक आभूषण है वो सिर के आभूषण, जिन्हें ताल सम्मान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। ये सभी डिटेल करवाने का पर्पज यही है कि छोटी से छोटी चीज़ आपसे चूक ना जाए और आपको जो पूछी जाती है छोटी से छोटी चीज़ वो आप आसानी से कर पाओ। वाचिक अभिनय में क्या होता है, इसमें काव्य कविताएं और नाटक पर शामिल हैं जो भाषण से बने हुए होती हैं। सात्विक अभिनय में क्या होता है, देखो हर नाटक के बारे में मैं बता रहा हूँ छोटी से छोटी चीज़, तो सात्विक अभिनय में क्या होता है, उन लोगों द्वारा सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता से प्रस्तुत कर सकते हैं, जो यानी उसमें कुशलता हो यानी निपुण हो, पूरी तरह से मैच्योर हों उसको करने के लिए उनसे ये करवाया जाता है। आंगिक अभिनय कौन सा होता है, यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ क्या है मैं शरीर अभिव्यक्ति एकमात्र माध्यम बन जाता है, क्या होता है, मैं शरीर मतलब जो शरीर है वो इसका क्या है एकमात्र माध्यम होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। फिर इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपना कि डैच के सिद्धियों के सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है, उसका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला मौली है, यानी किसकी बात कर रहा है, एक डांस की बात कर रहा है जो क्या है सीधियों से एक सांस्कृतिक विरासत का लगभग 300 वर्ष पुरानी है उसकी संस्कृति है, और सीधी जो धमाल नृत्य है वो एक उत्कृष्ट कला है इसकी, ठीक है। कब आया था ये, MTS में आया था, तो इसके कौन से ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, या राजस्थान है, तो धमाल नृत्य है वो कहाँ पर किया जाता है, जो सिद्धि नृत्य है इसके बारे में क्या है, ये गुजरात में किया जाता है, और किससे संबंधित है, तो ये है गुजरात के जो सिद्धियों में वे पूर्वी अफ्रीका लोगों के वंशज हैं, किसको मानते हैं,
पूर्वी अफ्रीकी लोगों के वंशज मानते हैं जो 14वीं और 17वीं शताब्दी के ईस्वी के दौरान गुलाम के रूप में भारत आए थे। यानी गुलाम जो अफ्रीकी लोग थे वो क्या है, गुलामी के रूप में कहाँ पे आए थे, ये भारत में आए थे। कब? 14वीं और 17वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, फिर है धमाल एक ऐसी नृत्य शैली है जो क्या है, शिकार के प्रति सिद्धियों के जुनून को दर्शाती है। यानी शिकार करने के लिए जो उनका जुनून होता है ना उसको दर्शाती है। यानी शिकार करने के लिए हो जाते हैं तब वो डांस करते हैं। पुराने दिनों में जिसे मशीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? मशीरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। यह नृत्य एक सफल शिकार अभियान के से लौटने के बाद सिद्धियों द्वारा किया जाता था। यानी जब वो शिकार करके आते थे और सफल हो जाते थे, अब सीधी सी बात है कोई सफल होगा तो वो क्या करेगा, डांस करेगा। आप भी कल को जो अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है, तो जॉब मिलेगी तो क्या करोगे आप, डांस करोगे, खुशी से झूम उठोगे। वैसे ही क्या था शिकार उस समय, क्या था एक, जैसे हमें जॉब से खुशी मिलती है वैसे ही एक खाने का क्या था इनका, कि भाई जो पर्पज था कि भाई शिकार करोगे तो ही आपको खाना मिलेगा, तो ये शिकार करके लाते थे और शिकार मिलने की खुशी में क्या करते थे, ये डांस करते थे। ठीक है, फिर है अपना नेक्स्ट कि दो परंपराएं हैं, एक संकीर्तन है जो भक्ति पहलू है और दूसरा है रास। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी दो परंपराएं हैं, किसकी दो परंपराएं हैं जो क्या है संकीर्तन जो डांस की पूछ रहा आपको, कौन सा ऐसा जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी जो परंपराएं हैं जो क्या है संकीर्तन जो भक्ति पहलू को दर्शाता है और दूसरा रास को। ठीक है, तो कौन से हैं, रास नृत्य मैंने आपको बताया भी था कि किससे संबंधित है, MTS में आया हुआ है, ओडिसी है, स्तरिया है, मणिपुरी है या छऊ है, तो कौन सा राइट आंसर है आपका। थोड़ा सा आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तो क्या है रास नृत्य के बारे में बताया था और रास नृत्य किससे संबंधित है, श्री कृष्ण और राधा जी से, और कौन सा नृत्य था वो, तो वो मणिपुरी था। तो इसका राइट आंसर आप ऐसे भी इससे रिलेट करके दे सकते हो, किसे कि संकीर्तन यानी भक्ति का पहलू भी है उसमें और रास का भी है, तो वो कौन सा नृत्य है, वो मणिपुरी नृत्य है। कौन सा है, मणिपुरी नृत्य है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि नटवरी नृत्य है वो किस नृत्य शैली में संबंधित है। तो मैंने आपको एक क्लास करवाई थी पीछे, बार बार आपको बोल रहा हूँ, एक बार वो क्लास आप जरूर देखें जाके, जो मैंने स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन करवाए हुए हैं यानी स्टैटिक्स जीके की क्लासेज ली हुई हैं, उन सभी में मोस्ट ऑफ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैंने बहुत पहले करवा चुका हूँ मैं, तो वो क्लास कर लोगे तो आपको फुली डिटेल्ड क्लास है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स में से मैंने वो करवाई हुई है। ठीक है, तो नटवरी नृत्य है वो किस शैली में है, कथक में है, कुचिपुड़ी में है, ओडिसी में या कथकली में है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, वो रहेगा कथक नृत्य शैली में है। कौन सा है, नटवरी कथक नृत्य शैली में हुआ है। तो इसमें क्या है, अपने शानदार फुटवर्क, अद्भुत घुमाव, नज़ाकत और पड़कत के लिए क्या है ये प्रसिद्ध है। कौन सा, नटवरी जो फुटवर्क है उनका, अद्भुत घुमाव है, नज़ाकत और पड़त के लिए प्रसिद्ध है। नटवरी नृत्य को जो कृष्ण श्री कृष्ण के है नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। किसके, श्री कृष्ण के रूप में भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ डांसेज हैं वो किससे संबंधित है, श्री कृष्ण जी से संबंधित है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि डैश का शाब्दिक अर्थ है, मतलब कौन से का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य, यानी कौन सा शास्त्रीय नृत्य है उसको क्या बोला जाता है, जादूगरनी का नृत्य बोला जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय या नृत्य प्रदर्शनों की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है, यानी जो सबसे आकर्षक शैली है उनमें से एक है। तो कौन सी है, कुचिपुड़ी है, मोहिनीअट्टम है, कथकली है या भरतनाट्यम है, यानी जादूगरनी का नृत्य है वो किसको बोला जाता है। तो आपने देखा होगा मोहिनीअट्टम जब डांस किया जाता है तो उस समय हर कोई क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है, यानी हर कोई उसमें क्या हो जाता है, उससे प्रभावित होता है और देखकर क्या है प्रफुल्लित हो उठता है, यानी दिल खुश हो जाता है उसको देख के। तो इसलिए क्या बोला जाता है, जादूगरनी का नृत्य बोला जाता है, यानी वो ऐसा जादू भी खेलते हैं कि देखने वाला क्या है हर कोई उसके ऊपर फिदा हो जाता है, यानी उसके ऊपर मोहित हो जाता है कि भाई बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मोहिनीअट्टम रहेगा। कौन सा रहेगा, मोहिनीअट्टम रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट भंडारी नृत्य है, उमडकलिया कोलम और राज गोड जनजातियों की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान का प्रदर्शन करती है। कौन सा, भंडारी नृत्य है जो मंडलिया है कोलम और राजगोड जनजातियों की भागीदारी के साथ करती हैं। ठीक है, तो एक पखवाड़े तक, यानी एक पखवाड़ा होता है एक समय का एक समय होती है। ठीक है, एक पखवाड़ा होता है समय की, मतलब आप बोल सकते हो कि भाई एक समय का
कुछ टाइम होता है, उस टाइम पीरियड के दौरान क्या है, पखवाड़ा बोलते हैं उस समय का, पखवाड़ा, ठीक है, उसके दौरान ये किया जाता है दिवाली के त्यौहार पर। तो वो कब किया जाता है, कौन सा नृत्य किया जाता है, तो छऊ है, बंगा पर दौड़नी है, घुसाड़ी है, या राउत नाचा है, ठीक है। कब आया हुआ है ये, SSC MTS में आया हुआ है 2023 में। तो दिवाली के ऊपर एक पखवाड़े में एक टाइम पीरियड के दौरान किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है, वो है घुसाड़ी नृत्य। कौन सा है, घुसाड़ी नृत्य किया जाता है, ठीक है। घुसाड़ी नृत्य में क्या है, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में होता है ये, कहाँ पे होता है, आदिलाबाद जिले में। बेगा पर दौड़नी है, ये कहाँ पे किया जाता है, ये मध्य प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, मध्य प्रदेश में, बेगा आदिवासियों के साथ, ठीक है। यानी ये कहाँ पे किया जाता है, बेगा पर दौड़नी, बेगा आदिवासियों के साथ किया जाता है। राउत नाचा है, ये कहाँ पे किया जाता है, राउत नृत्य मैंने आपको बताया भी था कि छत्तीसगढ़ में किया जाता है। मुख्यतः किसके द्वारा, यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। और यदुवंशियों का किसका वंशज माना गया है, भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना गया है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड का पाइका नृत्य है आमतौर पर जनजातियों द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है, ठीक है। तो जो पाइका नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, आपको ये पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, जनजाति पूछ रहा है जो झारखंड के, अब आपको जनजाति पढ़ी होंगी तो आपको झारखंड की जनजातियाँ याद होंगी, और झारखंड की जनजातियाँ याद हैं तो उनसे रिलेटेड जो नृत्य हैं वो आप आसानी से कर पाओगी। तो कौन सा क्या क्या पूछ रहा है आपको, यानी अतिथियों का सम्मान, यानी कोई गेस्ट आए हैं तो उनका वेलकम करने के लिए, या धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, वो मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब मुंडा जनजाति के द्वारा क्या है, झारखंड में किया जाता है। और कौन सा क्षेत्र है इनका, जो सबसे प्रिय क्षेत्र है जहाँ पे ये पाई जाती है, वो कौन सा है, वो है भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली आदिवासी हैं उनमें से एक है। और एक बिरसा मुंडा का जिक्र आपने सुना होगा, तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिरसा मुंडा कौन थे। ये है, ये क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति है, जो उनकी भाषा क्या है, मुंडारी है। कौन सी है उनकी भाषा, मुंडारी है, जो खगोल एशियाई परिवार से संबंधित हैं। किससे हैं ये, खगोल एशियाई परिवार से संबंधित हैं। पाइका नृत्य क्या है, एक युद्ध कला का प्रतीक है। कौन सा है, युद्ध कला का प्रतीक है। झारखंड के नृत्य कौन से हैं, फगुआ नाच है, मुंडा नृत्य है, सोहराई नृत्य है, या सरहुला नृत्य है, जामदा नृत्य है, ये कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं, ये हैं झारखंड के प्रसिद्ध नृत्य हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास अच्छी लगी हुई है तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हैं तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गोर मारिया राज्य की एक नृत्य शैली है जो आनंद और आहान का क्या है, प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है जो क्या है, एक मतलब ग्रुप डांस है, ठीक है। इस नृत्य के क्या है, पुरुष और महिला दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, इसको मिलके, जेंट्स और लेडीज दोनों क्या करते हैं, मिलके इसको बहुत ही उत्साहपूर्वक, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से डांस क्या है, मतलब खुश होकर क्या है, डांस करते हैं, ठीक है। और क्या है, ये एक समूह डांस है, यानी ग्रुप डांस है। तो कौन सा है गोर मारिया, कौन से राज्य की नृत्य शैली है, तो महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है, गुजरात की है, या छत्तीसगढ़ की है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, वो रहेगा छत्तीसगढ़। कौन सा रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा। यानी गोर मारिया है वो किस राज्य की नृत्य शैली है, वो छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में अबूझमाड़ पठार के गोरमाड़िया द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। कहाँ पर, कब किया जाता है, विवाह के अवसर पर, जब शादी होती है तो उस समय ये किया जाता है। और ग्रुप डांस किया जाता है किसके द्वारा, महिलाओं और पुरुषों के द्वारा। कई बार आपको क्वेश्चन देखिए ये भी पूछ सकता है कि ये पुरुषों द्वारा किया जाता है या महिलाओं द्वारा किया जाता है या दोनों के द्वारा किया जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो हर प्रकार से तैयार रहें, SSC कुछ भी आपसे पूछ सकती है, ठीक है। फिर इसे बाइसन के नाम पर गोर कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के जो अन्य नृत्य हैं वो कौन से हैं, पंडवानी है, राउत नाचा है, पंथी और सुवा है, ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के, जो पीछे मैंने क्वेश्चन में बताए भी हैं आपको, ठीक है। फिर है लेबान बुमानी नृत्य है, डैस का एक फसल नृत्य है।
तो ये मैंने आपको बताया भी था कहाँ क्या है ये, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, त्रिपुरा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक पीछे भी मैंने जो क्वेश्चन करवा रहा था उसमें बताया भी था, लेबान भूमनी है वो कब किया जाता है, वो फसल के ऊपर किया जाता है जब फसल का समय होता है, ठीक है। और कहाँ पे किया जाता है ये तमिलनाडु में किया, सॉरी त्रिपुरा में किया जाता है, ठीक है। फिर आता है कि मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से है, तो उड़ीसा से है, हरियाणा से है, उत्तर प्रदेश से है या बिहार से है, कहाँ से है। तो राइट आंसर कहाँ रहे, कौन सा रहेगा आपका, उड़ीसा रहेगा। कौन सा रहेगा, उड़ीसा रहेगा। कौन से से, मेहरी और गोटीपुआ नृत्य से, ठीक है। ये नृत्य मैंने बताए भी हैं आपको, जो अन्य नृत्य मैं आपको साथ साथ करवाऊँ ना कॉपी में नोट डाउन करते रहो, जिससे क्या आपको इसमें सहायता मिलती रहे। कौन सा है, उड़ीसा नृत्य है, मेहरी नृत्य। पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का क्या है, एक अनुष्ठानिक नृत्य है, नृत्य के रूप में जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में किया जाता है ना, उसमें मेहरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, मेहरी नामक देवदासी नर्तकियों द्वारा किया जाता था। और गोटीपुआ नृत्य है वो उड़ीसा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शन के लिए किया जाता है, जो महिलाओं के वेश में जगन्नाथ और श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। किसके वेश में, महिलाओं के वेश में किसकी स्तुति करते हैं, भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, यानी उनको प्रसन्न करने का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोंगी मुखट्टे नृत्य असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है, ठीक है, का नृत्य का, इस नृत्य का नाम जो दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटों से लिया गया है, भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है, तो दूसरा किसको दर्शाता है ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ पे ये किया जाता है, कहाँ के मुखौटा डांस कहाँ पे किया जाता है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो जो इस प्रकार का डांस है वो कहाँ पे किया जाता है, वो महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो मैंने इसमें करवाने की कोशिश की है, जो पिछले साल एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए थे उनमें आए हुए थे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इनके साथ डिटेल में मैंने आपको करवा दिए हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे छूटे ना और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस, और ऐसे ही साथ और प्यार बनाए रखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।